जिंदगी पुत्रा जी है इथे पाकिस्तान नी जिंदगी पाकिस्तान नी अगर रोटी लभी जा रहा दो टेम तो जिंदगी ये ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो आमान में होंगे। एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम मौजूद हैं डडियाल रट्टा और यहाँ के जो बंगले हैं, कोठियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्योंकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं जिनकी कोठियाँ वगैरह या फिर बंगले वगैरह हैं, वो ज़्यादातर जितने भी हैं वो इंग्लैंड में होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोठियां और बंगले हैं। हमारे साथ मौजूद है चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा, अपना तारफ करवा दे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आरिफ। अच्छा किधर रहते हैं आप? रट्टा ब्रूटिया में। रट्टा ब्रूटिया में। रट्टा नाम क्यों रखा गया इस जगह का? रट्टा जी जी, रट्टा गांव ग्रां नाम था जो मतलब है कि वो तो पता है ये पहचानू धोनी। बिल्कुल ये पहचानू धोनी। बिल्कुल मसल ये रट्टा ये नाल पठारा आ उधर खुर्द पीरा ही है, उधर सरखी है, उधर दूध बड़ा है, उधर ब्रूटिया ही है, उधर गुण मजूब है के सारिया आ प्रोट आ इस नाम ये पहचानू धोनी। ग्राइनी ग्राइनी पहचानू धोनी तो ये रट्टा जरा ना आया ये ग्राइनी पहचानू थी। बिल्कुल इतना ने मजूब है के फलाने बंदे भाई तू हाँ कुछ ने रहना है जी रे रट्टा देने जरा सारा मीरपुर तहसील सारी डडियाल है। ठीक है ते इस तरह ना मतलब है कि ये नान जी है पहचान तो नहीं। अच्छा यहाँ के सबसे ज्यादा लोग और यहाँ पर उन्होंने इतने ज्यादा बंगले बनाए हुए, इनका मकसद क्या है इतने ज्यादा बंगले बनाते हैं? मकसद इसका मकसद ये है कि मतलब है मसलन तुसा आयो तो तुसा एक अपनी बंगला बनाया कोठी बनाई। ठीक है मैं तो कहेगा मैं तुसा बनाई गई हो मैं रह गया उस तरह मैं भी मतलब है शुरू करी के दी। ठीक है ये इस तरह बस बस जो है फलाने जी मतलब है कोठी बनी हुई बंगला बनिया हुआ मारा कोई नहीं मारा सीधा मकान मीज भी बनानी चाहिए। ठीक है गल पैसे दी है जो पैसा है तो बंदा बनाई गिना तो ना पैसा है तो कुछ भी नहीं पैसा है तो मेहरबानी है। अच्छा अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे बंदे सारे रकमाने। चाचा आपकी फैमिली के बंदे बाहर भी होते हैं इंग्लैंड में या फिर नहीं? हाँ होने बाहर भी होने। अच्छा आप इंग्लैंड गए? मैं गया एक दफा मैं भी रही है इंग्लैंड। अच्छा थोड़ा सा उससे 3 महीने में भी रही है। उधर की जिंदगी कैसी है? इजी है या फिर जिंदगी जी जिंदगी पुत्रा जो है ये ही है। ठीक है इथे पाकिस्तान नी जिंदगी पाकिस्तान नी अगर रोटी लभी जा रहा दो टेम तो जिंदगी ये ही है। वो तो वक्त पास करने की गल नहीं मतलब है कि ज्यादा गुजारने की गल बाकी जिंदगी ये ही है। इच्छा। अच्छा मैंने एक चाचा से पिछले दिन में इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने हमें बताया था कि इधर जो आप मौज वगैरह करते हैं सुबह 10 बजे उठते हैं वो वाली जिंदगी उधर नहीं है। उधर टाइम का इंसान को पाबंद रहना पड़ता यही बात है। सही है। और कुछ आप एंड पर हमारे व्यूअर्स को भी कुछ बताना चाहते हैं? चाहे ऐसा ही है रहने ऐसा है वह जे उन की इंग्लैंडिया की पैगाम ये देने चाहे हैं कि तुसा मेहरबानी करो ये अपने बंगले बनाए ने कोठियां बनाई ने अच्छे इन्हों की आपो सांभो आपो कुछ करो इन्हों की मजबूत देखभाल करो पैसा लगाने इन्हों की सांभो संभालो लोग बसने पे पठान बसने पे मजदूर बसने पे कोई पहाड़ ने बंदे मसला बाहर ने बसने पे तो इस वास्ते जरा कोशिश करो अगर अपने बाल बच्चे की इधर अपने मुल्क बिच आनो बसाओ तो उन्हें की खुशबू पैदा हो अपने मुल्क की अपने मुल्क बिच मतलब है कि पैदावार बधाओ कम करो बहुत अच्छी है। पैसा अगर इच्छा तो लाओ तो मतलब है कि वो मजीद अच्छा हो कम होना। अच्छा अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं जिस होटल इसका नाम क्या है? इसका नाम थाथी रट्टा होटल। थाथी रट्टा होटल।
ठीक है जी। थाथी में मकसद ये रहा कि रट्टे ने सेंट्रल भी जाए, इसकी थाथी बोलने की रट्टे ने सेंट्रल भी जाए आ चास भेजिए रट्टा तो ये थाथी जो है सेंट्रल भी जाए। तो जी तो आपने अंकल का पूरा इंटरव्यू देखा होगा, इन्होंने इंग्लैंड की भी जिंदगी बताई है और पाकिस्तान की भी बताई है, स्पेशली रट्टा के लोगों के बारे में भी बताया है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंगले बनाते हैं और यहाँ पर बनाकर ये इंग्लैंड वगैरह चले जाते हैं। बंद कीजिए क्या मकसद हो, बंद कर कर इंग्लैंड चले जाते हैं तो मकसद नहीं है। आप जितने मकान बनाए आप अपनी फैमिली पूरी आए, छोटा सा मकान होना चाहिए और वापस चले जाए। अभी आप देखें ड्रोन फुटेज और ड्रोन फुटेज देखें। यहीं पर करते हैं ब्लॉग को एंड, आज का ब्लॉग एम करते हैं। इनकाशिफ को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।